बॉर्डर पर बारूदी सुरंग में धमाका हुआ है। धमाके में मेजर समेत दो अहलकार शहीद हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया आपको बताएं, पाक अफगान बॉर्डर जहां पर बारूदी सुरंग का धमाका हुआ है, धमाके में मेजर समेत दो अहलकार शहीद हो गए हैं। एक दफा फिर आपको बताएंगे, ये अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाक अफगान बॉर्डर पर बारूदी सुरंग का धमाका, जिसकी तफसीलात हमें देंगे हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर, हमारे साथ मौजूद है। नवीद अकबर, बताइएगा किस जगह पे एग्जैक्टली ये धमाका हुआ है, क्या तफसीलात आ रही है? जी, पाक अफगान बॉर्डर पर मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट में यह वाकया हुआ है, जहाँ पे मेजर अदील शाहिद और सिपाही फराज हुसैन जो है वो शहीद हो गए। मेजर अदील शाहिद की निगरानी में उनका जो स्क्वाड था वो फेंसिंग का काम कर रहा था, खासतौर बाल लगा रहा था पाक अफगान सरहद पर, जहाँ पे ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहाँ पे एक IED यानी कि देसी साख का बारूदी मवाद जो है वो धमाका खेज जो वहाँ पे दहशत गर्दों की तरफ से प्लांट किया गया था वो फट गया। इन दहशत गर्दों का ताला बॉर्डर की दूसरी तरफ से था, उन्होंने मोहम्मद जर्सी में जिस जगह पर पाक फौज के जवान जो है वो फेंसिंग का काम कर रहे थे वहाँ पे ये बारूदी देसी साख मवाद नसब किया था जो फट गया, जिसकी वजह से मेजर अदील शाहिद और सिपाही फराज हुसैन शहीद हो गए। जी नवीद अकबर, ये भी जानना चाहेंगे, फेंसिंग का काम जब से जारी है हम देख रहे हैं वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, और पिछले ही दिनों इस तरह का वाकया एक पेश आया है, इसके बावजूद यहां पर सिक्योरिटी अब कैसी देख रहे हैं, अब क्या इत्तलात आ रही है वहां से? जी यकीनन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो फेंसिंग का काम है वो बड़ी तेजी से जारी है, और पाक फौज का ये अजम है कि हमें ये काम मुकम्मल करना है। अब तक 2400 के करीब जो बॉर्डर है दोनों मुल्कों का, उसमें से 1000 किलोमीटर बॉर्डर पर फेंसिंग का काम हो चुका है, इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में ये काम किया जा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ जो शायद पसंद दहशतगर्द अनासर है वो उनका क्योंकि रास्ता बंद हो रहा है, उनके दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जो पाकिस्तान में आगे करते थे उनके रास्ते बंद हो रहे हैं, इसलिए उनको वो फेंसिंग के काम में रुकावट डालते हैं गायब गाये। यह वाकया भी इसीलिए पेश है, आपसे कुछ दिन पहले भी आपको याद होगा इसी तरह का एक वाकया पेश आया था जब फेंसिंग के काम में मसरूफ जो सिपाही थे उनके ऊपर सरहद पार से फायरिंग की गई थी। अब जो है IED नसब किया गया, जिसकी वजह से ये मेजर जदील शाहिद और सिपाही फराज शहीद हो गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद अकबर, इसकी तफसीलात आपने हमारे साथ शेयर की।